गंगणभैरव नम अशदीपेता प्रभृत्वा में कि मेरी आंखों को खबर ना हो, कभी यूं भी आ मेरी नजर में कि मेरी आंखों को खबर ना हो, हम चले सदा साथ साथ, खत्म अपना ये सफर ना हो, खत्म। वह दिन दूर नहीं जिस दिन जिस प्रकार से हम एनर्जी के क्षेत्र में एक आ रहे हैं, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे प्रतिनिधि के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व का सहारा मिल रहा है, ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है। कहा यह जाता है रग रग में बहने वाले हैं। पुनः बहुत बहुत स्वागत और साफा बंधाकर स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ वडेरा ग्रुप के हेड श्रीमान भूरचंद जी, हम पर अपना आशीर्वाद बनाते रहे। यूथ आइकन की तरह एक नई पहचान मैं निवेदन करूंगा मदन जी कटारी सचिव फल सब्जी मंडी। शिमा मेहनत जिसका नतीजा आज इस रूप में हम सबके साथ है, हम उस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं जिसमें शिलान्यास किया जाना है वीएस कृषि उपज मंडी का। माल्यार्पण के द्वारा स्वागत किया जा रहा है रावत त्रिभुवन सिंह जी का, जोरदार तालियों से अभिनंदन। अगली कड़ी में निवेदन रहेगा सब शिव प्रसाद मदन नकाते जी का, रावत जेडीएम उपायुक्त श्रवण सिंह जी, इंडियन बैंक के दिल्ली की वैष्णव सबका द्वारा इसका शिलान्यास किया जाना है जो कि मंच के ठीक दाहिनी तरफ है। रिमोट अतिथियों के सामने बटन है, आपको बटन प्रेस करना है और आप सब गवाह और साक्षी बनने जा रहे हैं। आप सब की तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता वह घड़ी हम सबके सामने शिलान्यास आज बाड़मेर विधायक माननीय मेवाराम की जैन के मुख्य आतिथ्य और जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में किया जा रहा है। एक ऐतिहासिक पल जिसको कि भविष्य में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हम सब खोते जा रहे हैं, आप सब से निवेदन चाहिए ये एक बाड़मेर के लिए ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक विदाई होती है। निवेदन रहेगा जोरदार तालियों के साथ इस पल का स्वागत करें। गौतम जी आप बोलो। और उत्पाद के आधार पर तेजी से बाड़मेर ने अपने कदम बढ़ाए हैं। आज जिले के कई इलाकों में साल में 2 से 3 मरतबा मुकाम देने वाली जगह राजस्थान की सरकार ने बाड़मेर के चितराए हुए किसानों गुजरात सहित देश कई राज्यों की तरफ रुख करने वाले खेतिहारों के साथ साथ अपने आने वाला कल को बाहरी राज्यों में देखने वाले व्यापारियों को अपने ही जिले बाड़मेर में
जीवन का नया आधार देने का लिया फैसला। राजस्थान सरकार के ग्राम 2016